हेमंत विश्व शर्मा जो बोलते हैं उसको मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसे तो दल बदलू है। तो हमारे लिए तो फायदेमंद है, तो आने से तो मैं तो रेड कारपेट से स्वागत कर दूंगा, आप आइए हमको थोड़ा मदद कीजिए। हेमंत विश्व शर्मा जो बोलते हैं उसको मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसे तो दल बदलू है और वो एम्बिशस है। वो तो सर्बानंद सोनोवाल को हटा के मुख्यमंत्री बना, इसके पहले भी तरुण गोगोई उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए, उसलिए वो कांग्रेस छोड़ दिया। मुझे ये कहना है कि तृणमूल असम में जाएगा और उसको काफ़ी असर होगा। हेमंत विश्व शर्मा का सरकार में मिजोरम बॉर्डर में असम पुलिस मरते हैं, डिमासा रेबल्स ट्रक ड्राइवर को मारते हैं, असम का स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। वो पश्चिम बंगाल के बारे में टिप्पणी नहीं करके असम को संभाले। उस पर वायलेंस तो असम में हिंसा नहीं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं। ये अच्छा है कि वो नहीं बोला कि हम वायलेंस करके चुनाव जीता पश्चिम बंगाल में। पोस्टपोल वायलेंस का जो नैरेटिव बनाया जाता है ये बीजेपी का बनाया हुआ है। हमने बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस दिन से बागडोर संभाले 5 मई से, उसके बाद वायलेंस नहीं हुआ। हम लोग चाहते भी NHRC का प्रोब बंद नहीं हुआ, हाईकोर्ट भी जो राय दिया वो राय पश्चिम बंगाल का खिलाफ गया। मैं नहीं समझता हूँ कि CBI को जांच कराने का ऑर्डर ठीक था, क्योंकि कानून के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई भी जांच राज्य सरकार राज्य पुलिस को करना चाहिए। ना चाहिए, बहुत भरपूर स्वागत किया जाएगा। तो क्या आप भी खेलेंगे दीदी के साथ? दीदी बोल रही खेला होगा। दीदी वहाँ जाते रहता है, माँ का प्रणाम करेगा, यहाँ बंगाल में चला आएगा, असम में क्या काम है दीदी का? मिस्टर शर्मा, त्रिपुरा में तो अभी काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए दीदी का जो वोट बैंक है और जहाँ में दीदी पॉलिटिक्स करता है, तो दीदी जितना त्रिपुरा असम जाएगा हम लोग का फायदा होगा, वो कांग्रेस का ही वोट बांट लेगा, तो हमारे लिए तो फायदेमंद है। तो आने से तो मैं रेड कारपेट से स्वागत कर दूंगा, आप आइए हमको थोड़ा मदद कीजिए। असम में भी एक समय एक साथ चुनाव हुआ, बंगाल में भी एक साथ चुनाव हुआ, असम में भी भरपूर कंटेस्ट हुआ, लेकिन किसी का घर में एक पत्थर भी नहीं पड़ा। यहाँ तो हाईकोर्ट को CBI का ऑर्डर देना पड़ा, तो आप डिफरेंस खुद ही आप लोग देख सकते हैं, मुझको इसमें बोलने का कुछ नहीं रह जाता है।